देखिए, ये यात्रा। स्नेह यात्रा जो है, ये बात का जवाब तो आप मेरे से बेहतर भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों से लीजिए। वो इस सवाल का जवाब देंगे जो हमें मोहित खान बताते हैं जब हम सरकार की नीतियों को उजागर करते हैं, जब हम लोगों को समझाते हैं कि कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सब जो मुद्दे हैं, ये सब बेकार के मुद्दे हैं। देश में असली मुद्दा शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी का है। लोग आपस में प्यार से, स्नेह के साथ मिलजुल कर रहे हैं, तब लोगों को बात समझ में नहीं आती है। लोग बात कर रहे थे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, मोदी जी तो स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। इस देश के अंदर 65% आपको शायद नहीं पता होगा, जिस देश के मुसलमानों को कहा जाता है ये पंचर पुत्र हैं। ये इस देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का काम करते हैं, ये अर्थव्यवस्था को डगमगा रहे हैं, ये इस अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये जिहादी हैं। ऐसे तरीके के शब्द जो हैं देश के मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आज आप एक बात को सुनकर हैरान हो जाएंगी और आपके होश उड़ जाएंगे कि इन्हीं जिहादी, इन्हीं पंचर पुत्र और इन्हीं मुसलमानों की वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था जो है वो चल रही है, या कह दीजिए जो पटरी पर वापस आ सकती है, जो अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। 65% जो मनी है वो गल्फ कंट्रीज से आती है। वो गल्फ कंट्रीज में आपका सऊदी अरबिया है, दुबई है, आपका तुर्की है, इराक है, वो तमाम जगह जहां के हमारे देश के मुसलमान भाई, नहीं हिंदुस्तान के भाई, इंडियंस वहां जाके काम करते हैं और वहां से पैसा यहां पर भेजते हैं, इंडिया के अंदर भेजते हैं। ये जो आंकड़ा है, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो 2018 के अंदर में ये आंकड़ा कम था, जो कि आज आंकड़ा बहुत बढ़ चुका है। मैं आपको बता दूं कि 2018 के अंदर ये 53.9% था, जो आज मौजूदा 2021-22 के अंदर जो है ये 65% हो चुका है। 65% यानी 65% जो देश की इकोनॉमी का हिस्सा है, 100 में से 65% शेयर जो है वो शेयर होल्डर गल्फ कंट्रीज हैं, जहां पर मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़कर जो है, आपने देखा होगा कि जर्मन का जो टूर था वहां से वो चले जाते हैं, और वहां जाकर किस तरीके से आपने देखा कि वहां के जो प्रिंस हैं उनके हाथों को चूमते हैं, वहां गले लगते हैं। एक और तो आप इस देश के मुसलमानों के लिए, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, ये आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल कोई आपसे अलग नहीं है, आरएसएस कोई आपसे अलग नहीं है, आप ही का हिस्सा है। आप अगर इन पे लगाम कस देंगे तो देश में कोई नफरत नहीं फैलेगी। नफरत की जड़ तो आपकी पार्टी के नेता हैं। हिजाब को लेकर विवाद कौन शुरू करता है? आपकी पार्टी के नेता शुरू करते हैं। मुसलमानों को लेकर बयान कौन देता है? आपकी पार्टी के नेता देते हैं। तो आप लगाम कसने का काम तो अपनी पार्टी के नेताओं पे करिए ना। और अगर आपको वाकई में मुसलमानों से इतनी नफरत है, और जो लोग सोचते हैं कि मुसलमानों को इस देश से निकाल दिया जाए, तो अगर मुसलमानों को इस देश से निकाल दिया जाए तो एक छोटा सा ग्राफ आपको दिखाना चाहूंगा। ये देख लीजिए, ये ग्राफ है, एक छोटा सा ग्राफ जरा देख लीजिए। अगर मुसलमानों को इस देश से निकाल दिया जाए तो मैं आपको बता दूं कि इराक, कुवैत से जो है वो 5.5% पैसा आता है, कतर से जो है वो 6.5% पैसा आता है, यूएई, दुबई से जो है वो मैं आपको बता दूं 27% आता है, ओमान से जो है वो 3.3% आता है, और सबसे ज्यादा जो पैसा आता है वो आता है सऊदी अरबिया से 11.6%, यानी टोटल होता है ये 65%, यानी 65% 100% की इकोनॉमी में से 65% इकोनॉमी को स्टैब्लिश करने में गल्फ कंट्रीज का हैंड है, यानी इस देश के मुसलमानों का हाथ है। जिन मुसलमानों के लिए लोग जिहादी कहते हैं, उन्हें आतंकवादी कहते हैं, उन्हें गद्दार कहते हैं, उन्हें पंचर पुत्र कहते हैं, और किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपने इस देश के हिंदुओं की तो जो दुर्गति करी है वो दुर्गति कोई और नहीं कर सकता। लेकिन मोहित, आपने हिंदुओं के लिए साफ और सीधे तौर पर आप कह देते हैं कि हिंदुओं को हाथ में अब लोहा उठा लेना चाहिए। आप हिंदुओं के बच्चों के लिए कभी आपने ये नहीं कहा कि उनको किताब थमाई जाए, उनको पेन पेंसिल दी जाए, कलम दी जाए, कभी भी इस देश के अंदर ये नहीं होता। हिंदुओं के बच्चों को भविष्य खराब करने के लिए जो है आपने 4 साल सेना के भी कर दिए, अब सेना के अंदर भी नहीं जा सकते हैं लोग, देश का माहौल आपने इस कदर खराब कर दिया। सेना के अंदर नहीं जा सकते हैं, जब से अग्निपथ योजना आई है ज्यादा से ज्यादा आवेदन हो रहे हैं, जितने होने उससे भी दोगुने हुए हैं। आप इस देश में रहती हैं नहीं रहती हैं? इसी देश में रहते हैं। तो आपको पता नहीं ये मामला कोर्ट चला जा चुका है, है? कोर्ट जा चुका है मामला। आवेदन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर बेरोजगारी कितनी है आपको पता है? अगर बेरोजगारी नहीं होती तो ये जो मैं आपको 65% का जो ग्राफ दिखा रहा हूँ, ये 65% का ग्राफ आपको देखने को ही नहीं मिलता। ये 65% का ग्राफ देखने को ही किस लिए मिल रहा है? इसीलिए मिल रहा है क्योंकि देश के अंदर बेरोजगारी है, इसीलिए इस देश के अंदर
कि लोगों को कमाने के लिए विदेश जाना पड़ता है। इस देश के अंदर का 65% इकोनॉमी को स्टेब्लिश करने में वो जो है गल्फ कंट्रीज का हाथ है। इस देश के अंदर पूरे विश्व के सबसे ज्यादा मुसलमान इंडिया के अंदर रहते हैं। भारत देश के अंदर कभी यात्रा निकालने, अरे मोदी जी इसने यात्रा को अगर आपको निकालने का इतना ही शौक है तो ये जो बयान दिए जा रहे हैं ऊट पटांग के जो बयान मोदी जी थोड़ी दे रहे हैं, मोदी जी थोड़ी ना दे रहे हैं, वो तो अलग अलग मोदी जी। अब आप मोदी जी उतर के थोड़ी कहेंगे कि मोदी जी कहेंगे थोड़ी कि सामने से आकर कि आप इस तरीके का बयान दीजिए। अगर मोदी जी इन पे लगाम नहीं कर सकते, मोदी जी की पार्टी की प्रवक्ता थी नूपुर शर्मा जो गिरफ्तार नहीं होती है, मोदी जी ने तो शर्म नहीं आती मोदी जी को, बाहर निकाल दिया ना उनको, तो बाहर कर दिया। अरे तो पार्टी से बाहर निकाल दिया तो उनको गिरफ्तार, उनसे माफी नहीं मंगवा सकते क्या मोदी जी की? देश के मेरी बात तो सुन लीजिए, देश के प्रधानमंत्री की क्या इतनी नहीं चलती कि देश का प्रधानमंत्री जी किसी शख्स से माफी मंगवा सके? बताइए भैया, देश का प्रधानमंत्री इस देश का मुखिया है, राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति इस देश का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति के बाद अगर किसी का नाम आता है तो प्रधानमंत्री का आता है, ठीक है। और संबित पात्रा तो यूं भी कहते हैं बीजेपी वाले लोग कि जो मोदी जी हैं वो इस देश के बाप है, लेकिन इस देश के बाप नहीं है। भले बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं के होंगे लेकिन इस देश के नहीं है। तो अगर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता के, तो नूपुर शर्मा से माफी मंगवाइए आप, क्यों नहीं मंगवा पी आप? लेकिन आप इस देश में नफरत का जहर घोलते हैं, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर इस देश की इकोनॉमी को खराब करने का काम करते हैं। मोदी सुन लीजिए, उदयपुर की घटना पर, उदयपुर की घटना पर क्या नरेंद्र मोदी जी का कोई एक ट्वीट आता है? नहीं आया। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो जो तस्वीरें जो आपको चैनलों पर दिखाई जा रही है लगातार ओपन कर करके, इससे ये जाहिर होता है कि वो तस्वीरें सत्य प्रदर्शित कर रही है, तभी तो मोदी जी खामोश है। अगर ये सत्य नहीं होता ना भाइयों बहनों, मेरे लिए योजना बनाई जा रही है, मुझे फंसाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, मेरी छवि को लगातार बदनाम किया जा रहा है भाइयों बहनों। अरे हमारा क्या है, हम तो फक्कर फकीर हैं, देश में आग लगाएंगे और फिर झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। और देश में आग लगाते हैं और उसके बाद उदयपुर की घटना हो चाहे फिर नूपुर शर्मा की घटना हो, ये अपना झोला उठाते हैं, कभी जर्मन चले जाते हैं, कभी बिन बुलाए दुबई, तो कभी सऊदी अरबिया चले जाते हैं और वहां जाकर ऐसे हाथ चूम रहे थे। वो तो मीटिंग में ऐसे हाथ चूम रहे थे ना, मीटिंग में गए तो मीटिंग में ये भी लिखा है हाथ चूमने को, वो तो कल्चर है ना वहाँ का, क्या वहाँ का दुबई का कल्चर है ना, तो हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है यहाँ बड़ों के पैर छुए जाते हैं, तो वहाँ से कोई आता है तो यहाँ पैर छूता है नरेंद्र मोदी जी के आकर? हाथ तो जोड़ते हैं ना, है हाथ तो जोड़ते हैं। नहीं तो मोदी जी भी हाथ जोड़ सकते हैं, नमस्ते का कल्चर बताइए कहानी है। इंडिया के लोग कहीं भी जाते हैं, भारत देश के लोग कहीं भी जाते हैं, नमस्ते करते हैं। तो सवाल खड़े कर रहा, अभी तो अमित शाह जी ने हैदराबाद में ही कहा कि अभी 30-40 साल तक बीजेपी रहेगी तभी विश्व गुरु बनेगा। चलिए शुक्र है, पहले तो 50-60 साल की बात करते, 50 साल से 30 साल पे आए ना, अभी 2014 आते आते ये वापस भारत विश्व गुरु तभी बनेगा ना जब बीजेपी यहाँ रहेगी। भारत हिंदू मुसलमान के दंगे होंगे तो यूं कहिए कि बीजेपी की सरकार आएगी, भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा? भारत की इकोनॉमी खराब हो गई है, 65% हम आरक्षित हैं गल्फ कंट्रीज के ऊपर। अगर मान लीजिए गल्फ कंट्रीज हमारे देश के नागरिकों को इन सब के चलते भगा दे, 65% तभी तो स्नेह यात्रा निकाल रहे मोहित जी, तभी तो स्नेह यात्रा निकाल रहे। स्नेह यात्रा निकालने का आपका इतना शौक है तो स्नेह यात्रा की कोई जरूरत नहीं, आप खड़े होकर बयान दे दीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, स्नेह यात्रा निकालने की क्या जरूरत? मुंह में राम बगल में छुरी है इनका हिसाब, इनका एजेंडा कुर्सी का है, आज ये मुसलमानों को लुभावने की कोशिश कर रहे हैं वोट बैंक के लिए। लेकिन मोहित जी, अब मोदी जी तो हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका, मोदी जी ये भी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका सत्यानाश करते हैं, सबका साथ सबका विकास नहीं सबका सत्यानाश करते हैं, सबका साथ सबका सत्यानाश नहीं करा आपने? देखा नहीं कि किस तरीके से बयान नूपुर शर्मा ने दिया, लेकिन भुगतना पूरे देश के लोगों को पड़ा, बदनामी तो पूरे इंडिया की हुई ना। तो सबका साथ और सबका सत्यानाश, मोदी जी ने थोड़ी कहा था नूपुर शर्मा को जाके ऐसे बयान दे दो, किसके लिए? नूपुर शर्मा को। अरे तो नरेंद्र मोदी जी इतना तो कह सकते थे, जो टीवी चैनल से उन पर तुरंत लगाम कसवाते, प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, टीवी चैनल से तुरंत लगाम कसवाते, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए बोला जाता है तब भी प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। आप चाहते क्या है? छवि जो खराब हो रही थी, एंकर ने गलत पढ़ा था, अरेस्ट कर तो लिया है। तो अरेस्ट नहीं करें, आप क्या चाहते हैं? अरेस्ट भी नहीं करें तो आप कह रहे हैं ना कि कुछ हुआ नहीं तो अरेस्ट हो। आपने देखा नहीं किस तरीके से छत्तीसगढ़ की पुलिस और दूसरी पुलिस के बीच आपस में मुठभेड़ हो रही है तब जाके तो गिरफ्तारी हो रही है? हैं? कैसे एक पुलिस और दूसरी पुलिस को आपस में लड़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं? और मैं आपको बता दूं, हर चीज जिस देश के, सुन लीजिए, इस देश के अंदर 3% टैक्स है सोना खरीदने पर, और आदमी बीमार हो जाए तो बेड पे लेटने का 5% टैक्स। तो आप ये मुझे बताइए कि सोना क्या गरीब आदमी खरीदता है? हैं? सोना तो अमीर आदमी खरीदता है, सुन लीजिए, खरीदते हैं ना। हीरा कौन खरीदता है, गरीब आदमी या अमीर आदमी?
जिसके पास पैसा होगा वही खरीद। नहीं मोहित जी, पैसा एक मिनट, पैसा किसके पास होता है? दोनों के पास होता है। गरीब के पास पैसा होता है? चलिए कौन सा गरीब है, आइए आज फुटपाथ पे दिखाते हैं कौन सा गरीब है जो हाथ में हीरे की अंगूठी पहनता है। मोहित जी, हॉस्पिटल की जो बात करो, प्राइवेट में है, सरकारी में तो फ्री है। अरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं 5% जीएसटी दे सकते हो, अमीर लोग जाते हैं। सर आप ये आटे की बता दीजिए, आटे का क्या है? हीरे से कम जीएसटी लग रही है, आप बताइए ना। आटे पे ज्यादा जीएसटी, हीरे पे कम जीएसटी है, तो लोग आटा खाते हैं ज्यादा या हीरे खाते हैं? तो आप तो अमीरों को बढ़ा रहे हैं। आपका जो एजेंडा था कि गरीबों के लिए योजनाएं बनाएंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, ये नहीं है। आप तो अमीरों के लिए काम करते हैं। तो रही, देखिए ना, दिन पे पहले आप मुझे मेरी बात, आप योजनाओं को छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए कि आटा ज्यादा जरूरी है या हीरा जरूरी है? आटा ज्यादा जरूरी है। तो आटे पे जीएसटी कम लगनी चाहिए थी या हीरे पे कम लगनी चाहिए थी, ये बताइए? आटे पे कम लगनी, आटे पे कम लगनी चाहिए। तो आटे पे ज्यादा क्यों लगी है? ये काम तो अंग्रेजों ने नहीं किया, जो काम नरेंद्र मोदी करके दिखाए, ये हिटलर से भी बड़ा तानाशाह है। आप बात आपको समझनी चाहिए, जो काम हिटलर ने नहीं किया, रोटी के ऊपर टैक्स किसी ने नहीं लगाया, वो काम मोदी जी ने कर दिखाया। इतिहास लिख रहे हैं, कहा तो था इंटरव्यू में, जो कोई नहीं कर दिखाएगा वो मोदी जी कर दिखाएंगे। देश का सत्यानाश और बेड़ा गर्ग मोदी जी कर दिखाएंगे। अभी तो बनारस पहुंच गए, गंगा माँ ने फिर बुलाया, फिर बुलाया मोदी जी। गंगा माँ का क्या नंबर है इनके पास में? गंगा माँ ने किसी दिन ज्यादा जोर से बुला लिया तो मोदी जी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए कह रहे हैं कि गंगा कैसे बुलाती है गंगा माँ फोन करके? तो मोदी जी को पता होगा ना, सपने में बुलाती हूं। एक मिनट, आप ये बताइए, आपका क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, आपको बुलाती हैं कभी गंगा माँ? चुनाव में गए थे। नहीं नहीं, आपको वैसे उसके बाद बुलाती हैं कभी फोन करके गंगा माँ? हैं? तो आप एक बात मुझे बताइए कि मोदी जी को, आपको जब नहीं आ रहा फोन, आपके कर्म खराब है? आप भी तो बीजेपी की दलाली, नहीं आप, हाँ बीजेपी की दलाली कर रही हैं आप, तब भी आपके कर्म खराब है? सवाल करने पे दलाली हो गई आपसे, तो आप कह रही बीजेपी की दलाली। तो मुझे ये तो बताइए, मेरे को भी आज तक कोई फोन नहीं आया गंगा माँ बुला रही है, मोदी जी को सबको नहीं आते ना, सबको नहीं बुलाती ना। आप देखो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाए नहीं बनाए गंगा माँ ने? गंगा माँ ने प्राइम मिनिस्टर, जब वहीं से इलेक्शन लड़े जीते नहीं, कहाँ से? पहली बार तो गुजरात से लड़े, फिर तो बनारस से। अरे भैया सुन लीजिए मेरी बात, गंगा माँ नहीं बुलाती, गंगा माँ तो बिचारी थक गई है पापियों के पाप धो धो कर। गंगा माँ के अंदर तो इन्होंने हीटर लगा दिया, गंगा का जो पवित्र जल है वो तो अपनी शीतलता के लिए जाना जाता है, मन को शीतल करने के लिए जाना जाता है। ये गंगा माँ के अंदर हीटर लगा कर नहाते हैं सर्दी में और दिखाते हैं मैं कितना। आपने कहाँ देख लिया कि हीटर लगा दिया? आपने देखा नहीं था, पूरे देश ने देखा, आपने आँख पे चश्मा लगा रखा है क्या? हीटर तो नहीं लगाया, देखा नहीं था आपने? वो हीटर टाइप वो जो रॉड से लगाती है पानी एक साइड का गर्म करने के लिए, वो था मतलब बाउंड्री लगा हुआ था, हीटर नहीं तो बाउंड्री, वही मैं हम आपको बता रहे हैं, वो उसमें गर्म पानी था, वरना मोदी जी ठंडे पानी में उतर जाएंगे। ये मशरूम खाने वाला आदमी चाय बेचता था पहले और आज देश बेच रहा है, आपको शर्म नहीं आ रही है? और आप इन्हीं की तारीफ कर रहे हैं। देश बेच नहीं रहे, विकास की राह पे है देश, तो अपना घर इनके हाथ में, सही हाथों पे है विकास। मोदी जी ने कहा घर इनके हाथ में थमा दीजिए, आपका बहुत अच्छा विकास। मोदी जी ने ये कहा हैदराबाद में कि देश सही हाथों पे है इस टाइम। हाँ, इससे बढ़िया सही हाथ में क्या होगा? आप ये देख लीजिए ना कि गैस सिलेंडर पर पैसे बढ़ गए हैं, लेकिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गई सर पे सिलेंडर वाली आंटी? इसमें तिरानी लापता है। ये महिला तो बिल्कुल चुप हो गई है, जैसे कहते हैं ना मुंह में फेविकॉल, गूंगी। ये तो विपक्ष का काम है ना, आप सुनिए सुनिए सुन लीजिए, ये जब सिलेंडर के दाम बढ़ते सिलेंडर लेके बैठते थे, आज इनके सामने बैठो ना, आज इनके सामने इनसे कोई सवाल करे कि स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर रहता था कहाँ गया? इसका मतलब मोदी जी के बिना मैं कुछ नहीं बोलूंगी, चाबी लगा के फेंक दी है। लेकिन मोहित जी, ये महिला के साथ बलात्कार हो तब चुप, सिलेंडर के दाम बढ़े, 400 रुपए कुछ का सिलेंडर था जब ये बैठी हुई थी जंतर मंतर। विपक्ष का है ना बोलना, वो विपक्ष में थी बोल रही थी। मतलब आज एक बात मुझे बताइए, आज सत्ता में तो आज नहीं बोलेंगी गरीबों के लिए, दोबारा इनको जूते के अलावा वोट एक को नेताओं को नहीं मिलना, ये बात लिख जीत के आ गई। आप बोले जूते के अलावा, अरे अब की बार पता आ रहा है ना, 24 में इलेक्शन देख लेंगे कहाँ से जीतेंगे और कितना जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।